भागलपुर बिहार प्रांत का एक शहर है। ये गंगा के तट पर बसा एक अत्यंत प्राचीन नगर है। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपानगर महान पराक्रमी शूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। ये बिहार के मैदानी क्षेत्र का आखिरी सिरा और झारखंड और बिहार के कैमूर की पहाड़ी का मिलन स्थल है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्वविख्यात रहा है। असर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के कई परिवारों के रोजी रोटी का स्रोत है। दोस्तों, प्राचीन काल के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे यथा तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला में से एक विश्वविद्यालय भागलपुर में ही था, जिसे हम विक्रमशिला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रामायण और महाभारत के सीरियल और फिल्मों में आपने भागलपुर शहर को देखा होगा। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ये भागलपुर बीते समय में भारत के 10 बेहतरीन शहरों में से एक था। आज का भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसका इतिहास काफी पुराना है। भागलपुर को 5वीं सदी में चंपावती के नाम से जाना जाता था। ये वह काल था जब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भारतीय सम्राटों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। अंग प्रदेश 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी चंपावती थी। अंग महाजनपद को पुराने समय में मलिनी, चंपापुरी, चंपा मलिनी, कला मलिनी आदि के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगर बात करें भागलपुर के शिक्षा केंद्रों की तो भागलपुर विश्वविद्यालय यहाँ का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। भागलपुर शहर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, तेज नारायण बनेली कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, JLN मेडिकल कॉलेज, ताड़ा कॉलेज और अनेक महाविद्यालय है। वर्ष 2011 से भागलपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र भी खुल गया है। वर्ष 2014 में यहां संपूर्ण कंप्यूटर शिक्षा के लिए मानव भारती एजुकेशन मिशन तथा लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग संस्थान खुल गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहलगांव को जीवित करने का काम चालू है। दोस्तों, यहाँ के उद्योगों में चावल और चीनी की मिलें और ऊनी कपड़ों की बुनाई शामिल है। भागलपुर रेशम के उत्पादन के लिए भी विख्यात है। यहाँ एक रेशम उत्पादन संस्थान और एक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, ये बिहार की राजधानी पटना से 220 किमी दूर तथा कोलकाता से 410 किलोमीटर दूर स्थित है। इस शहर में हिंदी भाषा बोली जाती है और जबकि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा अंगिका है। दुनिया भर में तकरीबन 50 मिलियन लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं और ये काफी प्रसिद्ध भाषा है। इस जिले में बोली जाने वाली भाषाएं हैं अंगिका, हिंदी, उर्दू और बंगाली है। साथ ही भागलपुर रेल और सड़क मार्ग दोनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस जिले को बिहार का रेशम नगरी या सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहा जाता है। ये जिला रेशम उद्योग के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ रेशम के कीड़े द्वारा प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन होता है। तसर रेशम से बनी साड़ी और भागलपुरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर बात करें इस जिले के क्षेत्रफल की तो इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2569 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 30 लाख के लगभग है और यहाँ लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 880 महिलाएं हैं। जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 81.90% है और मुस्लिमों की आबादी 17.68% है। ईसाई 0.12%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.01% और जैन 0.03% है। ट्रेन बात करते हैं भागलपुर स्थित खूबसूरत पर्यटक स्थलों के बारे में, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। शानदार विश्वविद्यालय विक्रमशिला को बिहार का गौरव भी कहा जाता है। ये भागलपुर से 38 किमी दूर है और यहाँ पर आपको बौद्धिक इतिहास के बारे में भी जानने को मिलेगा। फाहिम और ह्यूनसांग ने अपने शास्त्रों में इस जगह का वर्णन किया है। इतिहास के जो आकर्षक अवशेष कहीं भी मिलना मुश्किल है, वो यहाँ पर मौजूद है। विद्वानों और शिक्षार्थियों को आज भी विक्रमशिला खूब आकर्षित करता है। यहाँ की सबसे खास बात है इसका विक्रमशिला महोत्सव। इस महोत्सव का आयोजन फरवरी में होता है। मंदार पर्वत लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ को मंदार हिल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू और जैन धर्म के अनुयायी के लिए इस पहाड़ पर मंदिर बने हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पहाड़ पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था और इस पहाड़ का उपयोग समुद्र मंथन के दौरान मथानी के रूप में किया गया था। मंदार पर्वत पर एक तालाब स्थित है जिसे पापाहरनी तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के बीच एक छोटा सा मंदिर है। विक्रमशिला सेतु। विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर निर्मित एक पुल है जिसका नाम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया था। विक्रमशिला सेतु भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुल है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 और 31 के समानांतर और गंगा के विपरीत दिशा में बनाया गया है। यह पुल भागलपुर के परिवहन के लिए एक वरदान है। दोस्तों, इनके अलावा भी भागलपुर में कई सारे टूरिस्ट पैलेस मौजूद है, पर आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।